घर में कैप्टेंसी की रेस शुरू हो गई है और इस कैप्टेंसी की रेस में सभी घर वाले साम दाम दंड भेद से किसी भी तरह कैप्टेंसी हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। लेकिन ऐसे में कुछ लोग हैं जो एथिक्स को बरकरार रखे हुए हैं और कुछ लोग हैं जो एथिक्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं लोग सिंपैथी कार्ड भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस टास्क के दौरान गौरी, शालीन, टीना, ये तीनों एक हो जाएंगे प्रियांकित को हराने के लिए। सबसे पहले आप एक तस्वीर देख पा रहे होंगे, इसमें अंकित गुप्ता एक बाल्टी लेकर जा रहे होते हैं और गौरी उसे पकड़कर उन्हें नीचे धकेल देती है और जब बाल्टी गिर जाती है तो खुद रोने लगती है जैसा कि उनके ऊपर हमला किया गया हो और ये रोना धोना शुरू हो जाता है। लेकिन बावजूद इसके अंकित गुप्ता की कर्टसी देखिए कि वो बैठ कर प्यार से समझाते हैं गौरी को और अपनी छोटी बहन की तरह उन्हें ट्रीट करते हैं। वहीं दूसरे सीन में आपने देखा होगा प्रोमो के कि किस तरह से टीना ये कहती है अंकित गुप्ता को कि यू कांट टच मी, हालांकि वो उन्हें टच नहीं कर रहे होते और उसके बाद ओवर ड्रामेटिक होते हुए हाथ जोड़कर शालीन कहते हुए नजर आते हैं, भाई मत कर, तू ऐसा मत कर, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। वो कैमरे पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंकित गुप्ता बहुत बुरे इंसान हैं और वो तो उनके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि तू लड़कियों को टच मत कर। ये पूरी तरह से प्रियांकित को बदनाम करने की एक साजिश है जिस साजिश को रचा है शालीन और टीना ने, और इसमें और लोग भी शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे दुखद बात यह है कि गौरी ने जो हरकत की है कैप्टनसी टास्क जीतने के लिए, इससे दो बातें क्लियर होती हैं। एक तो ये कि जनता में जो उनके प्रति विश्वास जागना शुरू हो गया था वो अब ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा ये कि कैप्टनसी की इस रेस से 101% गौरी बाहर हो जाएंगी। वेल, प्रियांकित को लेकर जिस तरह की साजिशें देखने को मिल रही है, ये कहना गलत ना होगा कि आगे का सफ़र बहुत ही मुश्किल होने वाला है प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता का घर में। क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह के अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।